आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 इंडिया और मैं हूं अरफाज अमडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर देवेंद्र कौर जी, जिनको दो अवार्डों से जो है सम्मानित किया गया है। एक यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ द ईयर और दूसरा है बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द ईयर। मैम, सबसे पहले आपको मुबारक है, आपको दो अवार्ड से जो है नवाजा गया। थैंक यू देवेंद्र मैम। मैं जानना चाहूँगा ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक आप पहुँचे हैं। वैसे कि आप जानते हो मैं एक गांव से आई हूँ, तो बड़ी मतलब पापा और मम्मी ने बड़ी मुझे इस चीज़ में हेल्प की है कि मैं पढ़ूँ। हमारे गांव से पहली लड़की थी जो मैं एमए तक पहुँची हूँ। बाकी सब लोग जो है ग्रेजुएशन से उन्होंने लोगों ने आने नहीं दिया किसी को आगे। तो मैं खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे मतलब इस लाइन में डाला, क्योंकि टीचिंग मेरा एक शौक था, एक हॉबी भी थी, पैशन भी था। कि मम्मी मेरे भी टीचर थे और टीचर हैं भी, अभी रिटायर हो चुके हैं, और डैडी मेडिकल असिस्टेंट थे। तो उनका था कि उन्होंने मम्मी को भी शादी के बाद पढ़ाया, तो मेरे लिए वो चाहते थे कि हम पढ़े। तो मैं पढ़ी और जब मेरी शादी हुई तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के साथ भी यही कमिटमेंट की कि इसको पढ़ाना है, जहाँ तक जब पढ़ती इसको पढ़ाना है। तो इसमें मेरे हस्बैंड का बहुत रोल है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि एक मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ कि एक मेरी सक्सेस में मेरे जो हाथ था मेरे हस्बैंड का था, इनके बहुत कोऑपरेशन रही। और इवन इन्होंने जब PhD करी, इन्होंने पूरा डाटा जो है इन्होंने स्कोरिंग में मेरी बड़ी हेल्प की है, और मेरे साथ स्कूलों में जाते थे कि डाटा कलेक्शन करने, तो इनका बड़ा हाथ। सब बच्चे जिन्होंने मतलब छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने भी मुझे मेरी पढ़ाई में अपने मेरे से कुछ भी डिमांड नहीं किया। उनको पता था कि मम्मी पढ़ते हैं तो वो मुझे हेल्प करते रहे। तो मम्मी का भी मेरा काफ़ी, क्योंकि मेरी जो इंस्पिरेशन है वो मेरी मम्मी से है कि शादी के बाद, मम्मी 10th में थे जब मम्मी की शादी हुई, तो मम्मी ने उसके बाद MA BEd किया शादी के बाद बच्चों के साथ। तो वो मेरे इंस्पिरेशन थे कि अगर एक और 5 बच्चों के साथ इस लेवल तक पहुँच सकती है तो मैं क्यों नहीं। तो वो मेरे इंस्पिरेशन थे, तो आज भी हैं वो इंस्पिरेशन। तो ये मेरा एक जहाँ तक पहुँचने का। उसके बाद जब मैं बड़ी लड़ाई लड़ी है मैंने, तो फिर मैं टीचर भी बनी। टीचर के बाद मैं 10+2 में गई, 10+2 के बाद मैं सीधा हायर एजुकेशन में आई। तो एक मेरा स्टेप बाय स्टेप जो है सक्सेस में चलता रहा। ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ पे ड्यूटीज़ रही और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा जिंदगी का? फर्स्ट अपॉइंटमेंट एज ए टीचर मेरी दूम में हुई थी जी। तो उसके बाद मैं 10+2 में गई जिंद्रा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जिंद्रा में, मेरी फर्स्ट जॉइनिंग थी एज 10+2 में लेक्चरर। तो फिर 2009 में जाके मेरे को हायर एजुकेशन में मिला, मौका मिला सर्विस करने का। तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट मेरी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पलोड़ा में हुई जी। उसके बाद मैं GCW गांधीनगर में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। आजकल मैं गवर्नमेंट GLD में डिग्री कॉलेज हीरानगर में पोस्टेड हूँ जी। तो ये जो अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, किस तरह की खुशी है, क्या कहना चाहेंगे, कितना संघर्ष जो है ये सब पाने के लिए करना पड़ता है? संघर्ष तो बहुत करना पड़ता है। अगर हम कहीं जॉब लगी है कि अब आराम से बैठ जाएं, अब बस सैलरी लो और बैठो, लेकिन मेरा पर्पस ये नहीं था। मुझे लगा था कि कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए। तो जो मैंने कॉलेज गांधीनगर कॉलेज से, जब पलोड़ा कॉलेज से मैंने इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके, कुछ जो हमारी एजेंसीज है उनकी मैं लाइफ मेंबरशिप ली हुई है मैंने। जैसे मैं कंपैरेटिव एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, उसकी मैं लाइफ मेंबर हूँ। एक है ग्रैंड एकेडमी पोर्टल गोवा का, उसकी मैं लाइफ मेंबर हूँ। रेड क्रॉस सोसाइटी की मैं लाइफ मेंबर हूँ। गांधीनगर कॉलेज की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ एलुमनाई एसोसिएशन की। तो इस तरह से बहुत सारी एजेंसीज हैं जिनमें मैं आप सर्विस मतलब आप उनको कंट्रीब्यूट करती हूँ, और एजुकेशन के फील्ड में भी, सोशल लाइफ में भी कंट्रीब्यूट करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने रोटरी क्लब ज्वाइन किया, उसमें भी हम सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जाके भी मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ, और अपनी पर्सनल लाइफ में भी मैं सोसाइटी अपनी कम्युनिटी को भी कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। एज ए जनरल सेक्रेटरी मैं गुरुद्वारा साहब में रही हूँ, महंत मनजीत सिंह गुरुद्वारा जो है गुरुद्वारा साहब है, वहाँ पर मैं जनरल सेक्रेटरी भी रही हूँ। तो पर्सनल लाइफ में भी मैं कंट्रीब्यूट जो है वो कर रही हूँ अपनी जी। अगर इन अवार्ड्स की बात करें, जो आपको दो अवार्ड्स मिले हैं, ये कहाँ पे जा कर के मिले हैं, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें और कितने लोग हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सर, हाल ही में मेरे को एक फ़ोन आया था कि आपका नाम आया है। तो मैंने जब उनके साथ कंटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि आपके लिए किसी ने रिकमेंड किया है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। एक रिवार्ड जो मिला है वो इस फील्ड में नहीं है, दूसरे किसी फील्ड में मेरी एक फ्रेंड है उसको मुझे ही अवार्ड, लेकिन कोई और एजेंसी है जिसने दिया है जी। तो मुझे जब जी आया तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो
उन्होंने कहा कि आप इसमें करना चाहेंगे तो आपको इतनी सी फीस पे करनी है। तो मैंने कहा श्योर, तो मैं खुशी से पार्टिसिपेट किया था। मैंने हाँ, मैंने उनका इंटरव्यू जो उन्होंने मेरे से लिया, मैंने इंटरव्यू दिया। उन्होंने मेरा रिज्यूमे मांगा कि आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है, कॉलेज में आप क्या कर रहे हो। तो कॉलेज में मैं कोई 9-10 कमेटियों की मैं कन्वीनर हूँ, तो वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होता है कि मैं वुमेन काउंसलिंग सेल की कन्वीनर हूँ, मैं GS कैश की कन्वीनर हूँ, कल्चरल कमेटी की कन्वीनर हूँ, क्लस्टर यूनिवर्सिटी में मैं कोऑर्डिनेटर मैंने काम किया है, जो स्टेट इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ मैंने एज ए कल्चरल कोऑर्डिनेटर जो है कॉलेज के थ्रू मैंने उसके साथ काम किया है, और ये लिटरेरी कमेटी की भी मैं मेंबर हूँ, UGC कमेटी की मेंबर हूँ। तो इस तरह से मतलब इन कमेटीज़ के थ्रू जो मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ, जो अभी हमारे कॉलेज में NAC हुई है, IQAC जो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कॉलेज का पार्ट, जो कॉलेज की क्वालिटी जो है इम्प्रूव करने, उसकी भी NAC क्राइटेरिया की कन्वीनर हूँ और मेंबर सेक्रेटरी हूँ IQAC की, जिसकी वजह से हम कॉलेज में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो टीचर की लाइफ में ना टीचर को सक्सेस पाने में हेल्प करती हैं। तो गुरु महाराज की कृपा है कि मैं इन सब में इक्वली मतलब अपना पार्टिसिपेट कर रही हूँ, जितना करना चाहिए उतना कर भी रही हूँ, जितनी हमारी डिमांड है उस हिसाब से हम कर भी रहे हैं कि कॉलेज को किस तरह से हम आगे लेके जा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो हमारी सभी टीचर्स की होती है, लेकिन जो टीचर को रोल दिया जाता है अगर वो टीचर सक्सेसफुली निभाती है तो कहीं ना कहीं उसका नाम लोग भी बाहर लेते हैं कि ये टीचर ऐसा काम करता है। क्योंकि जब मैं गांधीनगर से आई तो ऑलरेडी यहाँ पर ये बात पहुँच चुकी थी कि ये जो द्विंदर मैडम है बहुत एक्टिव है, मेरे लिए ये कहा जाता था। इवन जो किरण बख्शी प्रिंसिपल शायद आप जानते होंगे, तो वो भी कहती थी कि जब भी हम द्विंदर को भी काम देते हैं तो इट मीन्स वर्क डन। तो मेरे जो मेरे कन्वीनर रहे हैं वो भी मेरे लिए यही बोलते थे कि हाँ द्विंदर को काम दे दो तो वर्क इज़ डन। तो अभी इस कॉलेज में भी यही है कि हम आगे और जो आ रहे हैं उनको भी हम सिखा रहे हैं। तो जब जब मुझे पता चला इसका तो बड़ी खुशी हुई। उनका जो भी उनकी डिमांड थी मैंने उनको वो सारा भेजा कि अपने कॉलेज में, क्योंकि फिर उनको लगा कि इतनी चीज़ों में जो काम करी है, मेरे पेपर पब्लिश हुए हैं, मैंने 2 बुक पब्लिश की हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के शायद उन्होंने मेरा नाम जो है किसी ने रिकमेंड किया होगा, तो उन्होंने भी इस चीज़ को देखा कि हाँ कुछ है तो मे भी बिल्कुल। तो जब मुझे तो आइडिया भी नहीं था, एक दिन मुझे मैसेज आता है कि आज आप YouTube लिंक पे अपना जो देखेंगे, तो मैंने जब देखा तो थोड़ी देर तक देखा कुछ नहीं, मैंने कहा मेरा कहाँ नाम होगा, तो मैंने वो YouTube बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन मैंने फिर थोड़ा सा देखा, फिर मैंने कहा नहीं। तो एक दिन ना मैंने कहा जी बड़ी लंबी वीडियो है, कुछ 55 मिनट्स की थी, तो मैंने फिर बैक से देखनी शुरू की। जब मैंने बैक से देखना शुरू की तो 50 तक देखा मैंने बैक से, तो फिर मैंने बंद कर दी। फिर पता नहीं मेरे माइंड में क्या है, मैंने कहा यार देख लेती हूँ एक बार। फिर मैंने पूरी ऐसे शार्ट करके देखी तो 49.50 सेकंड पे मेरा नाम अनाउंस हो गया। मतलब उस पूरी वीडियो में नाम अनाउंस किए जा रहे थे जिसमें हाँ, आपका नाम उनका नाम इसमें आ गया था कि यंगर प्रोफेसर ऑफ द ईयर, उसमें नाम अनाउंस हो गया। तो फिर मुझे बहुत ही खुशी हुई, मतलब कि उसमें आदमी चाहता है किसके साथ एक्सप्रेस करूँ। रात को कोई 11 बजे मैंने ये वीडियो देखी है, हाँ, तो जितने मेरे क्लोज थे उनको मैंने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे मेरा नाम अनाउंस हुआ। फिर दूसरे दिन मुझे मैसेज आता है कि हम आपके आप फिजिकली प्रेजेंस होना चाहेंगे। मैंने कहा व्हाई नॉट, तो ये तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होगा कि अगर मैं इस अवार्ड सेरेमनी में ज्वाइन करती हूँ। तो उसमें सारा परिवार मेरे साथ गया हुआ था, तो हम सैटरडे नाइट को हम गए थे वहाँ पे विवांता होटल दिल्ली द्वारका में जी। तो वहाँ पे जो अवार्ड सेरेमनी हुआ और ऊपर जो मैंने वहाँ वॉल फेम पे अपना नाम देखा तो मेरा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि कभी सोचा भी ना हो, सपने में भी ना सोचा हो कि हमें कुछ ऐसा मिल सकता है। तो वो वहाँ पे देख के जो खुशी हुई आई कॉन्ट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, वो एक फीलिंग है जिस फीलिंग को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सर आपका नाम? वरियाम सिंह। सर देवेंद्र कौर जी ने तो अपना जो काम है अभी का सहरा है वो सारा आपके सर पे बांध दिया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो सारी इसी की मेहनत है, मेरा कुछ नहीं है, सब इसी की मेहनत है, मेरा कुछ नहीं। पूरा परिवार खुश होगा? सब खुश, सारे खुश हैं, बहुत खुश हैं। लेकिन परिवार के सपोर्ट के बिना जो है कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, जो कि आपसे और आपके बच्चों से फैमिली से मिला है। ये बात तो ठीक है, वैसे मेरे से तो ज़्यादा बच्चों ने ही इसकी हेल्प की है। अच्छा हाँ। आपने नहीं की? हमने क्या हेल्प करनी थी सर, हम तो वो घोड़ा चलाने वाली बात है, पीछे बैठो ले जाएंगे। अच्छा। बस इतना ही। तो मैम क्या एक मैसेज रहेगा आपका, जिस तरह से आजकल आप देखते हैं महिलाएं कहीं ना कहीं कुछ डिप्रेस रहती हैं, अपने आप को कमतर समझती हैं कि हम नहीं कर पाएंगी, हम महिला हैं,
लड़की हैं नहीं उस मंजिल तक पहुंच पाएंगी जहां पे एक मेल पहुंच जाता है, तो क्या एक मैसेज रहेगा? सर ये ना सोच है एक लोगों की, मतलब माइंड में बैठा लिया कि हम औरत हम कुछ नहीं कर सकती। जब आप ये सोच लो कि भाई औरत मर्द भी जब हम फ़र्क ही नहीं कर रहे हैं, आजकल तो आप हर जगह देखो जेंडर इक्वलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन चीज़ों की बात आ रही है, हर जगह जो लेक्चर हो रहे हैं जेंडर इक्वलिटी। इस बार जो वुमेन इंटरनेशनल वुमेन डे था उस पर भी टाइटल भी वो जेंडर इक्वलिटी का ही था, थीम ही उनका जेंडर इक्वलिटी था। तो जब बात करें, क्योंकि लड़कियाँ जैसे मान लें ना जबकि भाई हमसे नहीं हो सकता, तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, फिर अपने काम में वो सक्सेस नहीं पा सकती हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जब भी कोई काम करो, जब एक मर्द कर सकता है तो कौन सा काम है जो औरत नहीं कर सकती है। वो बात अलग है कि अगर वहाँ जो मेल हमारी सोसाइटी तो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उसको हम नकार नहीं सकते, लेकिन अगर औरत इसी को मान के ही बैठ जाएगी तो आगे कैसे जाएगी? जब आज वो तो जहाज चला रही है, स्पेस में जा रही है, हर जगह जा रही है, तो क्यों नहीं जी? अगर वो एक लड़की उठ के एक जा सकती है तो ये सब तो सबके लिए इंस्पिरेशन है ना। तो ये लोग माइंड में ही मना के बैठ जाती हैं, और तो जब जिस मन में ठान ले, डिटर्मिनेशन उसके अंदर आ जाए कि हम लोग ये काम कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर सकते? तो जैसे मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा जो काम था आज ये वाला, तो वो कहीं मेरे सामने आया है, उसका रिवार्ड एक किस्म का मुझे मिला, कि एक यंगर प्रोफेसर का और दूसरा जो हमें इसका बेस्ट प्रोफेसर का, टॉप 10 प्रोफेसर थे जिनमें उन्होंने मेरा नाम रखा था। तो सोचा भी नहीं था, लेकिन कई औरतें पता क्या सोचती हैं, ये सोचती हैं कि हमें कौन देख रहा है, हमारा काम कौन रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। काम करो, फल की चिंता मत करो, हर जगह ग्रंथों में यही लिखा है, काम करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। तो आप करो ना, चाहे कोई आपको नहीं देख रहा, कहीं ना कहीं तो कोई देख रहा है, कोई तो हमारा काम देख रहा है, ये नहीं लोग नहीं देख रहे, ऊपर वाला देख रहा है, तो वो आपको उसका रिवार्ड जरूर देगा। ये मेरा एक जो अनकंडीशनल जो मतलब ये नहीं उसका कोई मुझे फल मिलेगा तो मैं ये काम करूँ, चाहे मैं कमेटियों में काम कर रही थी, चाहे मैं कॉलेज में किसी टाइप में काम कर रही थी, मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे उसका फल मिले, क्योंकि मुझे खुशी मिलती थी इन काम करूँ। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करूँ फ्री, मैं तो कोई फ्री बैठती ही नहीं थी, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता कुछ ना कुछ करते ही रहना, चाहे मैं पेपर लिखूँ या बुक के लिए लिखूँ, वो लिखती रहती थी। क्योंकि कहते हैं ना एम्प्टी माइंड इज़ डेविल्स हाउस, अगर आप खाली बैठे हो तो आपके दिमाग में शैतान जो है आ जाता है, तो वो गलत काम करने के लिए। तो आप जब हमेशा अपने आप को बिज़ी रखोगे तो ये सोच ही नहीं आएगी। और इस चीज़ के लिए ना समाज का नहीं है, औरतों का अपना नज़रिया ही चेंज करना पड़ेगा। आप जहीं जगह देखते हो जब सास बहू की लड़ाई होती है, वहाँ कौन ज़्यादा लड़ाई कर रहा है? सास कर रही है, वो औरत ही है, लेकिन उसको अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हमें अपना सोच चेंज करनी है, हमारा नज़रिया चेंज करना है, तो ऑटोमेटिकली फिर औरतें जो हैं वो आगे आ जाए। डिप्रेस नहीं होना है, उन चीज़ों को आप अपने थाट जो है वो पॉजिटिव रखो। जब आपकी सोच पॉजिटिव होगी ना, काम ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होंगे। बेशक लोग आपके इर्द गिर्द बहुत सारे नेगेटिव लोग होंगे, लेकिन आप उन लोगों के पास बैठो, नेगेटिव वालों से हट ही जाओ। मेरे ख्याल में जहाँ लोग नेगेटिव सोच वाले होते हैं वहाँ उनसे दूर हो जाओ। तो जहाँ आपको पॉजिटिव सोच वाले लोग मिलते हैं उनको, उनकी बातों को सुनो, और लोगों को सुनो, उनकी अच्छी बातें सुनो, और उसको जो अच्छी लगती है उनको ग्रहण कर लो, जो बुरी लगती है उनको निकाल दो। जब तक इन चीज़ों को अंदर रखोगे, अपने आपके अंदर एक ड्यूल पर्सनैलिटी होती है जो अंदर ही अंदर लड़ती रहती है, जमीर होता है ना एक, गलत करने से पहले भी आपके अंदर दिमाग में ये चीज़ आती है कि मैं ये करूँ ना करूँ, दो चीज़ें आपके ऑप्शन। तो जब आपके पॉजिटिव सोच होगी तो आप सोचोगे ये गलत है तो इसको छोड़ दो, तो सही चीज़ें उसको करो। ये कंसेप्ट लेके कोई चलेगा तो मेरे ख्याल में कोई भी और पीछे नहीं रहेगी। बिल्कुल, उसको नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और मुबारकबाद फिर से एक बार। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ देवेंद्र कौर जी, जिनको दो दो जो अवार्ड्स हैं उनसे नवाजा गया है, एक तो यंगर प्रोफेसर ऑफ द ईयर और दूसरा बेस्ट प्रोफेसर ऑफ द ईयर। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ एयर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।